अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़े की स्वीट डिश। ये एक अरेबियन डिश है और इसका नाम है कुनाफा। ये बहुत ही मज़े की यम्मी बनकर रेडी होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आएँ हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है। पैन में मैं एक कप चीनी ऐड कर दूँगी, हाफ कप वाटर। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे। यहाँ पर एक टिक बताऊंगी कि आपने इसमें उस वक्त तक चम्मच नहीं चलाना जब तक के शुगर हमारी डिसॉल्व ना हो जाए, इसलिए कि उससे हमारा शीरा गाढ़ा बनेगा। ये देखें, शुगर डिसॉल्व हो चुकी है। अब मैं स्पून यूज़ करूँगी, इसी तरीके से मिक्स करूँगी चारों तरफ से। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लेमन जूस का ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लॉसम वाटर। ये अरेबियन डिश में मस्ट यूज़ होता है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। 1/2 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर का ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे, हमारा शुगर सिरप रेडी है। दूसरी साइड पे मैं एक पैन लूँगी। अब हम इसके लिए मलाबिया रेडी करते हैं, यानी कुनाफा की फिलिंग। 1 कप पैन में मैं मिल्क ऐड करूँगी, 1/2 कप हम शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप हम थिक क्रीम का यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। याद रखें, यहाँ पर अभी मैंने पैन को चूल्हे पर नहीं रखा। अब मैं इसे मिक्स करके अच्छे से, अभी मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, पैन को चूल्हे पर रख दिया है। मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इस तरीके से मुसलसल हमने विस्क चलानी है। देखें कितना माशाल्लाह ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 कप मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। आपके पास कोई भी चीज़ हो आप वो ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से। ये इसको हमने इस बैटर को थिक रखना है। मलाबिया की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लॉसम वाटर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारी मलाबिया यानी कुनाफा की फिलिंग रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड पे हम कुनाफा के लिए फाइलो पेस्ट्री लेंगे, यानी सोइयाँ। इसको हम दोनों हाथों से इस तरीके से क्रश करते जाएंगे, इस तरीके से बारीक बारीक कर लेनी है हमने। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखें, बटर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कुनाफा के लिए अब हम पैन लेंगे, उस पर हम बटर से ग्रीसिंग कर लेंगे चारों तरफ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर ओवन को प्री हीट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। अब हम चारों तरफ इस तरीके से फाइलो पेस्ट्री कुनाफा की सोइयों को हम फैलाते जाएंगे। थिक लेयर लगानी है हमने। यहाँ पर मैंने फाइलो पेस्ट्री 250 ग्राम यूज़ की है। अब हम हाथों के ज़रिए इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से नीचे बैठ जाए।
ये देखें मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हम इसके ऊपर मलाबिया यानी कुनाफा की फिलिंग डालेंगे। ऐसे फैला लेंगे हम, ये देखें इस तरीके से हमने सेट करना है। दोबारा से हमने वही प्रोसेस करना है, यानी सुइयों को हमने चारों तरफ फैलाना है। इस तरीके से हम चारों तरफ फैला लेंगे। हाथों से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रेस करेंगे, ज़्यादा हमने इसको प्रेस नहीं कर देना, बस हल्का हाथों से ऐसे ऊपर ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करेंगे इसको। और 10 मिनट के लिए रेस्ट दे के हम इसे 45 मिनट तक के लिए बेक कर लेंगे। तरीके से आपने सेट करना है ऐसे। ये देखें माशाल्लाह हमारा कुनाफिया 45 मिनट बाद देखें रेडी हो चुका है। अब हम इस पर गर्मा गर्म पर शुगर सिरप डालेंगे, चारों तरफ इस तरीके से हम फैलाते जाएंगे। ऐसे पिस्ताशियों से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कटिंग करेंगे, ये गर्मा गर्म बहुत मज़े का लगता है। ये देखें माशाल्लाह कुनाफा हमारा रेडी है। और हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। आप मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।